सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सात संगत जी अप्रैल का महीना आते ही सतगुरु बाबा गुरुभचन सिंह जी महाराज की यादें ताज़ा हो उठती हैं कहते हैं युग युग से सतगुरु अपने भक्तों को ज्ञान उजाला प्रदान करके भक्ति का मार्ग दिखाता रहा है ज्ञान उजाले के प्रभाव क्षेत्र में जो महात्मा अपने जीवन को भाव से जी लेते हैं वही गुरुमत के रास्ते के सफल पथिक कहलाते हैं गुरमत के पथ पर जिन अनेकों संतों महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया दासी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय के एक गुरसिख की बात आप जी के चरणों में रखेगी कि ये इतने प्यारे गुरसिख संत महात्मा जिनको सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अंथक का नाम दिया इनका नाम तो वैसे इंदर सिंह जी था लेकिन सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने संत इंदर सिंह जी अंथक इनका नाम रख दिया और ये इतने प्यारे महात्मा ये पटियाला के रहने वाले महात्मा थे कहते हैं कि जब ये पटियाला में आकर बसे उस समय पटियाला में केवल चार पांच घर ही महापुरुषों के हुआ करते थे और कहते हैं कि इस महात्मा के जो माता पिता थे वो भी पूर्ण गुरसिख थे वो उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान गुरसिक्खी में था और वो हर समय सेवा सिमरन सत्संग में ही जुटे रहते थे कहते हैं कि ये जो महात्मा इंतर सिंह अंथक जी ये पटियाला में जो महात्मा अमर सिंह जी रहते थे उनकी दुकान पर रबड़ की मोहरे बनाने का काम करते थे बाईस वर्ष पूरी लगन मेहनत और ईमानदारी से इन्होंने इस काम को सीखा और किया महात्मा अमर सिंह जी ने इन्हें गीत कविताएं आदि लिखने और बोलने की भी प्रेरणा दी यदि यहाँ यह कहा जाए महात्मा अमर सिंह जी ने ही इनके आत्मा रूपी पत्थर को तराशकर एक बेमिसाल चमकदार हीरे का रूप प्रदान किया तो इसमें कोई भी शक नहीं होगा महात्मा अमर सिंह जी की शिक्षा द्वारा ही इस महात्मा का जीवन गीतकार सेवादार और संपूर्ण तौर पर गुरसिखी में गुजरा इनके अंदर गीतकार व सेवादार के गुणों को देखते हुए युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इनको अंतक का उपनाम प्रदान किया अंथक जी के मन में हमेशा यही भावना रहती थी कि वह किसी भी तरह किसी का भी किसी का भला कर सकें कहते हैं एक महात्मा ने अंथक जी के बारे में बताया कि 1988 में जब पंजाब की परिस्थितियाँ बहुत खराब थीं और पंजाब में मिशन का प्रचार करना भी बड़ा मुश्किल था उन दिनों में किसी के घर में कोई माता गुजर गई थी महात्मा अंतक जी अफसोस प्रकट करने के लिए उनके घर गए तो अपने साथ इस महात्मा को भी ले गए इस महात्मा का नाम सतपाल दास अरोड़ा सतपाल अरोड़ा जी लिखा हुआ है कहते हैं कि इस महात्मा को भी साथ ले गए नई बन रही कॉलोनी में उनका मकान था कच्चा पक्का रास्ता था कच्चे पक्के मकान भी दूर दूर दिखाई दे रहे थे उसके घर में एक दो व्यक्ति आस पड़ोस के और एक दो रिश्तेदार अफसोस करने के लिए बैठे थे तो ये महात्मा कहते हैं हम वहाँ कुछ देर बैठे इधर उधर देखते रहे कि शायद अब माता जी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाएंगे लेकिन जब कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई तो हम वहाँ से उठ बाहर आ गए हमारे बाहर आने के बाद बाकी के व्यक्ति भी वापस चले गए बाहर आकर अंतक जी ने मृत माता जी के लड़के को बाहर बुलाकर पूछा कि माता जी को संस्कार के लिए कब लेकर जाना है तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर अंतक जी ने कहा भाई साहब यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता दीजिए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा तब उस लड़के ने रोते हुए कहा कि मेरे पास संस्कार करने के लिए रुपए ही नहीं हैं मैं तो दो साल से बेकार बैठा हूँ घर का गुजारा भी मुश्किल में हुआ पड़ा है रिश्तेदारी में भी मेरी किसी के साथ बनती नहीं है तो अंधक जी ने उसको कहा कि निरंकार सब ठीक करेगा उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट में से 250 रुपए निकाले और फिर जो महात्मा अंधक जी के साथ थे उनको भी कहा उन्होंने भी अपनी पॉकेट में से 200 रुपए उस लड़के को दे दिए और कहते हैं कि फिर वहाँ किन्हीं अन्य जान पहचान वाले महापुरुषों के पास गए और कुछ रुपये उनसे भी लेकर आए तो अंतक जी और उस महात्मा ने मिलकर अर्थी तैयार करके बाहर गली में निकाली अंतक जी पड़ोस के घर में गए और एक दो व्यक्तियों को अर्थी उठाने के लिए बुलाकर लाए अंतक जी और वो महात्मा और उस माता का लड़का वह एक और व्यक्ति अर्थी को अपने कंधों पर उठाकर टूटे फूटे रास्ते से गुजरते हुए पैदल ही शमशान घाट पहुंचे संस्कार के लिए लकड़ियाँ ली लकड़ी वाले ने रुपयों की जो रसीद काटी उस पर अंधक जी ने अपने नाम की जगह संत निरंकारी सेवा दल लिखवाया इस तरह से माता जी का अंतिम संस्कार किया और बाकी के बचे हुए रुपए माता जी माता के लड़के को देकर वापस घर आ गए कुछ दिनों बाद अंतक जी इस महात्मा की दुकान पर आए और कुछ देर बैठने के बाद वो महात्मा अंतक जी को पूछने लगे वो महात्मा अंतक जी से बात करने लगे और कहने लगे कि तुम्हें मालूम है वह इंसान कौन था तो उस महात्मा ने कहा नहीं अंतक जी मैं नहीं जानता मुझे नहीं मालूम तब अंतक जी ने कहा यह वह इंसान है जो कुछ साल पहले हमारे मिशन के बारे में बहुत गलत बातें बोलता था और निरंकारी होने के नाते मेरे साथ भी कभी कभी गाली गलोच कर देता था लेकिन मैंने इसकी बात का कभी भी बुरा नहीं माना यह सुनकर उस महात्मा ने कह दिया फिर आप उसके घर में अफसोस करने क्यों गए थे और मुसीबत में आपने उसकी मदद क्यों की तो महात्मा अंतक जी ने उस महात्मा को समझाते हुए कहा उसने जो कुछ भी किया वह उसका अपना कर्म था लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वह अपने सतगुरु की शिक्षा और मिशन के सिद्धांत के अनुसार किया है हमारे सतगुरु का आदेश है कि हमें बुराई को अच्छाई से ख़त्म करना है और किसी को गलत नहीं बोलना हमारा सत्संग और संत समागम करने का भी केवल यही लक्ष्य है कि हर प्रकार से परोपकार करें अंतक जी सतगुरु व निरंकार पर अटल विश्वास करने वाले इंसान थे यदि उन्होंने सतगुरु व निरंकार पर विश्वास करके किसी को कोई वचन कह दिया तो वह पूर्ण हो जाता था इसी तरह हैं, ये महात्मा सतपाल अरोड़ा जी ने दिसंबर उन्नीस में एक कंपनी का कुछ काम किया और चार पाँच महीने चक्कर लगाने के बाद भी कंपनी ने रुपए नहीं दिए एक दिन ये महात्मा किसी काम के लिए अंतक जी की दुकान पर गए तो इस महात्मा का चेहरा देखकर कर अंतक जी पूछने लगे कि क्या बात है आज तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा तो उनके बार बार पूछने पर इस महात्मा ने पूरी बात बता दी कि कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने इस महात्मा को हौसला देते हुए कहा कि निरंकार करेगा ठीक करेगा और तुम्हारे पैसे ज़रूर मिल जाएंगे उन्होंने कहा कि तुम कल मेरे पास आ जाना मैं तुम्हारी मुश्किल का हल बताऊंगा। तो ये महात्मा अगले दिन फिर अंतक जी के पास चले गए तो महात्मा को अंतक जी कहने लगे कि तुम आज सतगुरु व निरंकार पर भरोसा करके सतगुरु निरंकार का स्वरूप समझकर पूर्ण विश्वास करके मेरी दुकान से सीधा कंपनी के ऑफिस में निरंकार का सिमरन करते हुए जाओ और अरदास करो कि सच्चा पाशा आज मेरा यह काम कर दो महात्मा उनके वचन सुनकर हंस पड़ा और बोला क्यों क्या वहाँ कोई सत्संग हो रहा है जो मैं गुरु के वचन सुना दूंगा और कंपनी वाले खुश होकर मुझे पैसे दे देंगे तब पंथक जी ने कहा आज आप पूर्ण तौर पर दिल से विश्वास करके देख लो यदि रुपए ना मिले या कोई ऐसा जवाब ना मिला तो फिर आप मुझे कहना उनके वचन सुनकर ये महात्मा को विश्वास हो गया और ये महात्मा अंतक जी की शॉप से सीधा कंपनी के ऑफिस में के कमरे के अंदर सुमरन करते हुए पहुँचे और हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए इस महात्मा को ऐसे लगा जैसे चेयर पर स्वयं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज विराजमान हो और महात्मा कुछ कहने ही लगा था कि उस ऑफिसर ने पहले ही कह दिया कि अकाउंटेंट से अपना चेक पता कर लो अकाउंटेंट ने बताया कि दो दिन बाद चेक ले जाना ये महात्मा बहुत हैरान हुए कि आज यह कैसे हो गया ये महात्मा वापस अंतक जी की दुकान पर आए और उनको बताया कि दो दिन बाद चेक मिल जाएगा यह सुनकर अंतक जी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि जब से तुम यहाँ से गए हो मैंने भी कोई काम नहीं किया बस निरंकार का सिमरन और अरदास ही कर रहा हूँ कि सच्चे पाशाह आज इस महात्मा का काम कर दें अगर कोई इंसान गुरु निरंकार पर विश्वास करके इसका सहारा लेकर काम करता है तो काम जरूर पूरा होता है और जब हम किसी का कुछ काम करवाते हैं या करते हैं या किसी के लिए अरदास करते हैं तो हमें स्वयं भी बहुत खुशी होती है संत महात्मा हमेशा परोपकार ही करते हैं यही कहते हैं कर सब का भला मेरे दाता अरदास करते हां, असी मंग तेरे दर हो, हर स्वास करते हाँ हे सच्चे पाशाह सब का भला करना अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा है तब भी हमने उसका भला ही मांगना है और यही सच्चे पातशाह के आगे अरदास करनी है हे सच्चे पाशाह उस उस महात्मा को भी हम तो महात्मा ही कहेंगे क्योंकि सभी हमारे लिए महात्मा ही हैं चाहे वो ज्ञानवान हैं या नहीं हैं हम उस महात्मा के लिए भी यही सतगुरु निरंकार के आगे अरदास करेंगे कि सच्चे पाशा इनको सद्बुद्धि देना इनको सुमत देना कि ये भी इसी तरह आप जी के रंग में रंग जाएं, ये भी ब्रह्म ज्ञान ले लें और इसी तरह ये भी संत महात्माओं वाले कर्म करते चले जाएं किसी का बुरा ना करें किसी को बुरा ना कहे जैसे सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमने हर एक का भला मांगते जाना है जब हम हर एक का भला मांगते हैं तो उसमें हमारा भला अपने आप ही हो जाता है इसलिए अगर कोई हमें बुरा शब्द बोल भी देता है तो हमने आगे से उसको कुछ नहीं कहना है बस उसके लिए अरदास ही करनी है कि सच्चे पाशाह इसको सुमत दे देना और ये सच्चा पाशाह ये बख्शन हारा ये सुमत दे भी देता है इसी तरह हमें सतगुरु ने समझाया है कहते हैं कि जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है कहे हर देव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है हां संगत जी जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बना ली है तो वो जगह कैसे बनाई है के जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में शहशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है गुरसिख गुरु की अख नल वेखे गुरु दे कल न सुनता है गुरसिख ज्ञान ज्ञान विचों हीरे मोती चुनदा है गुरु की आंख कौन सी है गुरु की आंख यही है कि गुरु हमेशा सबकी अच्छाई ही देखता है कभी भी अगर कोई किसी की बुराई भी करता है तो बुराई की बातें भी नहीं सुनता और बुराई देखता भी नहीं हमेशा अच्छा ही देखता है अगर सतगुरु ऐसे हमारे अवगुणों को देखने लग जाता तो हम में से कोई भी बख्शा ना जाता हम तो फिर इस ब्रह्म ज्ञान को पा ही ना सकते सच्चे पातशाह ने हमारे अवगुणों पर, पर पर्दा डाल दिया और हमें अपने दिल में जगह दे दी इसी तरह हम भी कभी किसी के अवगुणों को ना देखें हमेशा गुणों को ही धारण करते चले जाएं और जब हम ऐसा करेंगे हम गुरु की तरह ही हर एक की प्रशंसा ही सुनेंगे किसी की बुराई नहीं सुनेंगे किसी की बुराई नहीं देखेंगे किसी के अवगुण नहीं देखेंगे हमेशा गुण ही देखेंगे तो कहते हैं कि फिर सतगुरु रीत जाएगा और जब सतगुरु रीत जाएगा तो फिर जो भी संत महात्मा किसी को भी वचन दे देंगे वो वचन हमेशा पूरा होगा जैसे कहते हैं दुनिया सारे दुनिया वस विच तेरे तू पगत दे वस करतार सारी दुनिया को इसने वश में किया हुआ है लेकिन ये भक्तों के वश में हो जाता है ये उन्हीं भक्तों के वश में होता है जो सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं जो सतगुरु की रजा में चलते हैं सतगुरु के आदेश उपदेश को हूँ बहू मानते चले जाते हैं चाहे अगर सतगुरु रात को दिन कहे तो दिन कहते हैं और अगर दिन को रात कहें तो जो भी सतगुरु कहे उस हुक्म को मानते चले जाते हैं किंतु परंतु नहीं करते तो उसी गुरसिख के को सतगुरु अपने दिल में बसा लेता है और वो जो भी आशीर्वाद किसी को भी दे देते हैं वो वचन पूरा हो जाता है ऐसे ही ये हमारे महात्मा आदरणीय महात्मा संत इंदर सिंह अंथक जी थे जो बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के दिल में जिन्होंने पूरी तरह अपनी जगह बनाई हुई थी और जो भी आशीर्वाद ये दे देते थे वो पूर्ण हो जाता था हमें ऐसे ही संतों महापुरुषों का संग मिलता रहे सही मिलामी जिन्हा मिलिया तेरा नाम चितावे सच्चे पातशाह हमें ऐसे संतों का संग देना जिनको मिलते ही हमें आप की याद आ जाए पक्के संतों महापुरुषों का ही संग देना जो खुद भी जुड़े हुए हैं और हमें भी अपने साथ जोड़ के रखें सतगुरु निरंकार का यश करते हुए इसी तरह गुणगान करते हुए हमारा जीवन बीत जाए हर स्वास में हो सिमरन तेरा यूँ बीत जाए जीवन मेरा सास संगत जी अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श लेना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना दासी सिमरन कराएगी सभी मिलकर सिमरन में साथ देना तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय निरंकारी राज माता गुरुबचन अवतार की जय संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी